सीमा है दर सचमुच भारत में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करने वाली थी कुछ बड़ा। आखिरकार क्यों बार बार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके से जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का नाम? आखिरकार क्यों सीमा को दी जा रही है चेतावनी? अगर सीमा नहीं लौटी पाकिस्तान तो पाकिस्तान के बॉर्डर में सीमा को फेंक दिया जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी नई दिल्ली एनसीआर में। मैं हूँ पूनम अधिकारी। सीमा हैदर आज वो नाम बन गई है जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अब हिंदुस्तान भी कभी नहीं भूल पाएगा। सीमा हैदर खुद को भले ही एक सच्ची प्रेमिका कहती हो लेकिन बार बार सीमा के पाकिस्तानी एजेंट होने पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब सीमा पर शक की सुई इस हद तक बढ़ गई है कि अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है सीमा हैदर 15 अगस्त यानी अगले महीने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ बड़ा कर सकती है। क्या है पूरी खबर बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पबजी से शुरू हुई पाकिस्तानी सीमा हैदर की लव स्टोरी अब सीधे सीधे पाकिस्तानी एजेंट का रूप ले दी जा रही है। सचिन की बीवी और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से लगातार यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई तरह के खुलासे भी हो रहे हैं लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि अब न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि हिंदुस्तान से भी सीमा को बाहर करने की मांगे उठ रही है। जी हाँ, अब हिंदू संगठन करणी सेना ने खुलेआम सीमा हैदर को धमकी दे दी है। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान से आई सीमा पाकिस्तान वापस नहीं लौटी तो सीमा को सीधे सीधे पाकिस्तान बॉर्डर में फेंक दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, करणी सेना का ये भी आरोप है कि हो सकता है कि सीमा सचमुच एक पाकिस्तानी एजेंट हो और उनके शरीर में एक चिप लगी हो। करणी सेना का ये भी कहना है कि अगर जल्द से जल्द सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो हो सकता है ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा खतरा हो क्योंकि हिंदुस्तान में अगले महीने हर साल की तरह 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने वाला है और हो सकता है कि सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से आई है वो 15 अगस्त को लेकर कोई बड़ी साजिश रच रही हो। हो सकता है कि 15 अगस्त वाले दिन सीमा हैदर कुछ ऐसा कर दे जो हिंदुस्तान के लिए बेहद ही खतरनाक हो। इसीलिए अब करणी सेना ने धमकी दे दी है कि जल्द से जल्द सीमा को पाकिस्तान भेज दिया जाए वरना वो खुद सीमा को पाकिस्तान के बॉर्डर में फेंक देगी। आपको बता दें कि एटीएस लगातार सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के दौरान सीमा हैदर के खिलाफ कई सारे सबूत भी मिले हैं। दरअसल पूछताछ में ये पता चला है कि सीमा हैदर ने इंस्टाग्राम पर 9 बार अपना नाम बदला है। इंस्टाग्राम पर सीमा हैदर कुछ ही लोगों को फॉलो करती है जिसमें कई सारी न्यूज एजेंसियां और साथ ही बागेश्वर बाबा धाम का ग्रुप भी शामिल है। इसके अलावा एटीएस जांच में पता चला है कि सीमा हैदर के फेसबुक में तकरीबन 35 से ज्यादा अकाउंट है जिसकी फिलहाल जाँच चल रही है। आपको बता दें कि सीमा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। सीमा लगातार सचिन और उनके परिवार के साथ इंस्टाग्राम पर रील्स बना रही है। तो क्या सचमुच सीमा हैदर एक पाकिस्तानी एजेंट है या फिर एक सच्ची प्रेमिका, ये सवाल अब भी बना हुआ है। फिलहाल आज के मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही बड़ी खबरें हम आप तक यूं ही पहुँचाते रहें।